कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार इस नींव को रख दिया है कि बिहार में अब महागठबंधन भाजपा से चुनाव नहीं जीत सकता। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड में बीजेपी बिहार में राजनीति जो है गर्माहट ला दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, जो समर्थक हैं, वो भागे भागे पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जो है पटना एयरपोर्ट पहुंचे जेपी नड्डा के स्वागत में। तो पहले सुनिए आपके क्या कुछ मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए कह रहे हैं। 160 सीटों पर लगातार यात्रा का काम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया। हम 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसमें काम करते हैं और उसी के तहत बिहार में प्रवास हो रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, यहाँ के बूथ अध्यक्ष से मिलेंगे, हमारे जो कोर कमेटी है उसके पूरे लोगों से मिलने का काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल खड़ा किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है, देखिए अब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में क्या हो रहा है ये वो खुद तय करें, लेकिन हम लोग इतना ही जानते हैं कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार इस नींव को रख दिया है कि बिहार में अब महागठबंधन भाजपा से चुनाव नहीं जीत सकता। आंतरिक लड़ाई लगता है कि महागठबंधन, अरे आंतरिक क्या, पूरा मिल के भी लड़ेंगे तो भी हार आएंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। साफ तौर से कहा कि बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो है जेपी नड्डा तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसा। महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं चलने वाली है, यानी कि जो भविष्यवाणी बीजेपी आए दिन करता है अब कहीं ना कहीं वह सही साबित होता दिख रहा है। इसलिए क्योंकि जिस आए दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार में रार मची हुई है, इसलिए क्योंकि एक नेता दूसरे नेता पर वार पलटवार कर रहे हैं। चाहे हम बात कर ले राजद नेता सुधाकर सिंह के, या फिर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की, या फिर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की, यानी कि सबके सुर जो है अलग अलग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक बार फिर से घमासान मचने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी साइड होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पार्टी भी अपने एजेंडे को लेकर के चल रहा है, क्योंकि जीतनराम मांझी लगातार शराबबंदी को लेकर के जो है वह सवाल खड़े कर रहे हैं। गुजरात मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए, लोगों को थोड़ी थोड़ी पीने की जो है नीतीश कुमार को शुरू कर देनी चाहिए, यानी कई तरह की चीज जो है जितना मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर के भी। तो इस पर एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि देख लीजिए अपने ही घर में लोग जो है वो एक तरह से कहा जाए कि अपने ही घर में लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार सही से चल सकेगी। एक बार फिर से हम आपको छोड़े जाएंगे उस वीडियो के साथ कि क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के। कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार इस नींव को रख दिया है कि बिहार में अब महागठबंधन भाजपा से चुनाव नहीं जीत सकता।